सो आवर टॉपिक इज अबाउट द भारत रत्न. रिसेंटली द भारत रत्न हैज़ बीन अवार्डेड टू द भारतीय जनसंघ आइडियोलॉग नानाजी देशमुख, द लेट सिंगर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट भूपेंद्र हजारिका एंड द फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी. हाल ही में तीन बड़ी हस्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया, जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े विचारक जो अब नहीं हैं हमारे बीच, नानाजी देशमुख, और नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े संगीतकार और सिंगर भूपेंद्र हजारिका. सो जो भारत रत्न होता है, दिस इज़ कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इस तरह से भारत रत्न दिखता है. सो नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम इन आवर माइंड एंड दीज क्वेश्चंस आर आज इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लाइक व्हाट इज़ भारत रत्न. तो हमने जैसे देखा कि दिस इज द भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है. इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड 1954 एंड वाई इट इज़ गिवन. इट इज़ गिवन इन रिकग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, सेक्स और से जेंडर और फॉर एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर. तो ये किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेश हो, जिसने भारत के लिए कुछ या मानवता के लिए कुछ ऐसा काम किया हो और जिसमें सेल्फलेस काम हो और इसमें जात पात धर्म लिंग भेद का आदि का भेद नहीं किया जाता. देन हाउ इज़ द मेडलेशन, इन्हें दिखने में भारत रत्न कैसे होता है. सो दिस मेडलेशन इज़ नॉट कास्ट ऑफ गोल्ड, इट इज़ कास्ट ऑफ ब्रॉन्ज. बहुत लोगों के मन में ये विचार है कि शायद सोने का पत्रक है, ये सोने का नहीं है, ये ब्रॉन्ज का कांसे का बना हुआ है. एंड इट इज़ डिज़ाइंड लाइक ए पीपल लीफ, और हमारे यहाँ पीपल पवित्र माना गया, तो ये पीपल वृक्ष की पत्तियों की तरह इस तरह से दिखने में आप देख रहे हैं, ये ब्रॉन्ज का बना है, ये पीपल जो लीव्स हैं उनकी तरह दिखता है. और सन बर्स्ट एट द सेंटर एंड भारत रत्न एनग्रेव्ड अंडर इट. और इसमें देखिए आप, सन बर्स्ट है और नीचे भारत रत्न लिखा हुआ होता है. सो दिस इज हाउ भारत रत्न मेडलेशन अपियर्स. एंड ऑन द बैक साइड ऑफ द भारत रत्न देर इज ए अशोक चक्र एंड देर इज ए सेंटेंस, देर इज ए एम्बोज्ड सत्यमेव जयते, जय सत्य की हमेशा विजय होती है. सो दिस इज अवर नेशनल सेंटेंस, सत्यमेव जयते. दिस सत्यमेव जयते वी हैव टेकन फ्रॉम मांडुक्य उपनिषद, ये भारत में मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है. और ये जो मेडिटेशन है ये इस तरह से हैंग होता है, और ये जो ये वाइट रिबन के साथ नेक से हैंग होता है, यानी वाइट रिबन इस तरह से यहाँ आके बन जाता है और इस तरह से ये हैंग होता है. सो अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ भारत रत्न, और फिर हमने देखा कि हाउ इज़ द मेडिटेशन. और इसके भारत रत्न जो अवार्ड होता है, इसके साथ ही जो रिसिपिएंट है उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, एंड सर्टिफिकेट इज साइन बाय द प्रेसिडेंट. सो दिस इज हाउ द मेडलेशन अपीयर्स. अब बात है कि कैन भारत रत्न यूज एज ए प्रीफिक्स, यानी जिसे भारत रत्न दिया गया, जैसे मान लीजिए कि अभी तक 48 लोगों को दिया गया, तो क्या वे अपने नाम के साथ ये लगा शब्द लगा सकते हैं. जैसे मिस्टर एक्स को मिला, तो क्या मिस्टर एक्स ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम एक्स भारत रत्न. तो दिस इज़ द थिंग नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि कैन भारत रत्न यूज एज ए प्रीफिक्स, क्या नाम के पहले से लगाया जा सकता है. तो एज पर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ डिसीजन सुप्रीम गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, इट कैन नॉट बी यूज एज ईदर एज ए प्रीफिक्स और एज ए सफिक्स, नीदर एज ए प्रीफिक्स नॉर एज ए सफिक्स. कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था आर्टिकल 18(1) की व्याख्या करते हुए, और सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि जो भारत रत्न है इसे नाम के साथ नहीं लगाया जाना चाहिए. हाउ एवर द अवॉर्डी, इफ अवॉर्डी थिंक्स नेसेसरी ही अलॉन्ग विद हिज बायोडाटा लेटर और विजिटिंग कार्ड ही कैन इंडिकेट दैट ही इज ए रिसिपियंट ऑफ भारत रत्न.
आर से अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर जिसे मिल रहा है अगर वो चाहे नाम के साथ तो नहीं लगा सकता, लेकिन अपने विजिटिंग कार्ड में या लेटर हेड में यह शब्द लिख सकता है कि वो भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति है। सो द फर्स्ट, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट। सो फर्स्ट जो भारत रत्न था इट वॉज कन्फर्ड इन 1954 टू सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एंड द नोबल फिजिसिस्ट सी वी रमन। तो जो सबसे पहला भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, उसके पश्चात राजगोपालाचारी, और उसके बाद फिर एक जो भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव जिन्होंने दिया था सी वी रमन को। एंड द लास्ट अवार्ड 48th अवार्ड वॉज कन्फर्ड इन 2019 टू नाना जी देशमुख, और अंतिम अवार्ड ये नाना जी देशमुख को दिया गया जो कि बीजेपी के आइडियोलॉग में। अपार्ट फ्रॉम दैट 2019 में इट वॉज ऑल्सो कन्फर्ड टू भूपेंद्र हजारिका एंड प्रणब मुखर्जी। टोटल देर आर 48 अवार्ड। नाउ अनदर क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड, हु रिकमेंड्स फॉर द भारत रत्न। सो द रिकमेंडेशंस ऑफ भारत रत्न इज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इन वन ईयर देयर कैन बी मैक्सिमम 3 नॉमिनेस, बट एवरी ईयर इट्स नॉट नेसेसरी टू बी कन्फर्ड। तो जो भारत रत्न का प्रस्ताव है भारत के प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रपति के पास भिजवाते हैं, एक साल में अधिकतम 3 नाम वो भिजवा सकते हैं, लेकिन हर साल ये पुरस्कार देना और भिजवाना जरूरी नहीं है। नाउ टू हूम भारत रत्न इज अवॉर्डेड, जैसे हमने देख लिया कि इट्स नॉट ए रिटन प्रोविजन कि भारत रत्न दैट पर्सन शुड बी बिलोंग टू भारत, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन गिवन टू इंडियन, इट कैन गिवन टू नॉन इंडियन। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि देर टू से आउट ऑफ 48 मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर इंडियन, बट सर्टन नॉन इंडियंस वेयर गिवन, लाइक द टू नॉन इंडियंस वेयर द खान अब्दुल गफ्फार खान, द सीमांत गांधी और द फ्रंटियर गांधी, राइट, एंड द नेल्सन मंडेला हु बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। तो टू नॉन इंडियंस को था, और इट इज इवन कन्फर्ड टू मदर टेरेसा, शी वॉज नॉट एन इंडियन बॉर्न। सो इस तरह से भारत के बाहर के लोगों को भी मिल सकता है। देन अनदर क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसीविंग द भारत रत्न। सो लेट मी मेक यू वेरी क्लियर, देर इज नो मॉनिटरी प्रोविजन इफ समवन गेट्स द भारत रत्न। सो देर इज नो मॉनिटरी ग्रांट, नथिंग, नो मनी इज गिवन इन ए प्राइज मनी, बट द भारत रत्न अवॉर्डी हैज ए स्पेशल स्टेटस, ही इज एंटाइटल फॉर ए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। आमतौर पर जो भारतीय पासपोर्ट है ब्लू कलर का होता है, लेकिन जो भारत रत्न अगर अवॉर्डी हैं तो देल गेट ए मरून कलर, रेड कलर, जो मरून कलर होता है उस कलर का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है। एंड ऑब्वियसली दे गेट सेपरेट इमिग्रेशन काउंटर, दे गेट एक्सेस टू VIP लॉन्ज ऑन द एयरपोर्ट्स, एंड वन एवर अब्रॉड दे गो सो दे गेट द सपोर्ट ऑफ इंडियन मिशन अब्रॉड। तो इस तरह से भारत रत्न अवॉर्डी को धन तो नहीं मिलता, लेकिन एक दर्जा बड़ा उसका बड़ा ऊंचा दर्जा हो जाता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो जाता है, इमिग्रेशन काउंटर सेपरेट हो जाता है उनके लिए, VIP लॉन्जेस मिलते हैं। तो भारत के अगर बाहर जाते हैं तो उनको फिर जो हमारा इंडियन मिशन है वो उनको वहाँ पर मदद करता है। एंड दे ऑल्सो गेट द लाइफ टाइम फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रेवल इन बाय एयर इंडिया, और जो एयर इंडिया है उनको फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट जब तक वो जीवित हैं तब तक वो देता है, तो उनका ये एंटाइटलमेंट होता है। और साथ ही साथ इन द सेरेमोनियल फंक्शंस द भारत रत्न अवॉर्डी इज इक्वलेंट टू 7A। तो और जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है या प्रोटोकॉल है उसमें भारत रत्न अवॉर्डी का दर्जा 7A होता है कि इंडिया में इंडियन प्रेसिडेंट कम्स फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये वैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं। Then the president's vice president is second in order of precedence, and the prime minister is the third, and the fourth is the governor within the state. जिस राज्य के राज्यपाल हैं उसी राज्य में अगर हैं तो governor of the state, but within their state. Fifth status होता है former president, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं उनको order of precedence में पाँचवा नंबर होता है। Then 5A is the deputy prime minister, तो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को 5A का दर्जा है। 6 नंबर पे है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। 7 नंबर पे आप देख रहे हैं 7 प्लेस पे है कैबिनेट मिनिस्टर्स,
देन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, जो राज्य के मुख्यमंत्री जो अपने राज्य के अंदर हैं, इसी टाइप से लीडर अप टू फॉर्मर यू नो, इसी प्रकार से आप देख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्य सभा एंड लोकसभा, इनका दर्जा 7 है। और आप देख रहे हैं 7A, दैट इज होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, तो ये 7A का इनका दर्जा है, यानी 7 के साथ ही 7A है, राइट। सो इनका प्रोटोकॉल में दर्जा जो है 7 के साथ ही है, बट 7A है, 7 ना हो के 7A है। सो दिस इज हाउ दिस इज द, तो अभी तक हमने देखा भारत रत्न के बारे में। सो वी हैव सीन नंबर ऑफ थिंग्स, हमने देखा कि व्हाट इज भारत रत्न, हमने देखा दिस इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मेडलेशन व्हाट इज द मेडलेशन, हमने देखा दिस इज ब्राउन्स पीपल लीफ, और एंड व्हाट आर द वर्ड्स ऑन भारत रत्न, सत्यमेव जयते। Then can Bharat Ratna use as a prefix? हमने देखा कि no, neither as a prefix nor as a suffix, नाम के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर हमने प्रथम और अंतिम देखा किस किस को मिला, टोटल अवॉर्डीज देखे। Then we have seen who recommends, तो हमने देखा the Prime Minister recommends, but it is given in the name of the President, इसे भारत के राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन इसके जो प्रस्तावक होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। फिर हमने देखा कि टू होम भारत रत्न इज गिवन, सो भारत रत्न कैन बी गिवन टू इंडियन और इवन आउटसाइड, बट ये है कि फॉर ह्यूमनिटी दे शुड हैव वर्क समथिंग एक्सेप्शन। और फिर हमने बेनिफिट्स देखे, तो हमने देखा देर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट, बट येस देर आर अदर बेनिफिट्स ऑफ रिसीविंग द भारत रत्न। और कई बार कॉम्पिटिव एग्जाम में पूछते ही हैं कि अवॉर्डीज का स्टेटस क्या होता है, वी हैव सीन देयर स्टेटस इज 7A। थैंक यू वेरी मच।